हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी से एमए इकोनॉमिक्स करना है तो ये वीडियो आपके ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इन टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आपका बीएचयू आता है, डीयू आता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आता है एंड जितने भी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है वो सब आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको एमए इकोनॉमिक्स करना है तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना, आपको बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आपको एमए इकोनॉमिक्स करने के लिए आपको सीयूटी पीजी एग्जाम देना होगा, ठीक है, जो कि एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाता है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपका एग्जाम का जो कोड है वो है COQP10। इसको ध्यान से याद रखना एंड आपको फॉर्म भरते वक्त यही कोड चूज करना है, गलती से कोई और कोड चूज मत करना वरना बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों एमए इकोनॉमिक्स का ऑफिशियल सिलेबस क्या है, क्योंकि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को देने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपके एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस पता होगा तभी तो आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे। तो मैं आपको लेकर चाहता हूं एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ठीक है दोस्तों, यहां पे आ जाओ। ठीक है, तो ये है एनटीए की वेबसाइट, यहां पे आपको दिया गया है सिलेबस। ठीक है, तो यहां पे देखो सबके आगे कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपका जो भी कोड है COQP10 उसी को क्लिक करके ओपन करना। ठीक है, मैंने आपके यहां पे ओपन कर दिया, ये है COQP10 इकोनॉमिक्स का सिलेबस। ठीक है, एंड दोस्तों आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, सीयूटी पीजी एग्जाम दोगे तो उसी एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे आपको इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको जानना है कि किस किस यूनिवर्सिटी में एमए इकोनॉमिक्स है तो भैया मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बना दिया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका सिलेबस। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। ये देख लो, द क्वेश्चन पेपर विच वी हैव 75 क्वेश्चंस, आपके एग्जाम में केवल 75 क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन होंगे। ठीक है, ऑल क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, यानी कि सारा का सारा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से ही आएगा। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, द क्वेश्चन विल बी बायलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर होगा। ठीक है, अब दोस्तों ये है आपका पहला इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो कि आपको लगेगा कि बड़ा आसान है बट ऐसा नहीं है, माइक्रो बहुत ज्यादा अजम्पशन बेस्ड और प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। ठीक है, यहां पर ध्यान देना कि कंज्यूमर थ्योरी क्या होती है आपको पढ़ना होगा, बिहेवियर थ्योरी, डिमांड के बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, डिमांड से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, यूटिलिटी क्या हो गया, फिर आपका TUMU, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इंडिफेंस कर्व उसके प्रॉपर्टीज, फिर आपका एक एडवांस टॉपिक है जिसका नाम है लिविड प्रेफरेंस थ्योरी, फिर कंज्यूमर सरप्लस किसने दिया है, क्या होता है। ठीक है, फिर दोस्तों प्रोडक्शन थ्योरी के अंदर आपका टोटल प्रोडक्ट, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, हिट एंड टू स्केल यानी कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन, जितने भी टाइप की कॉस्ट होती है उनके टाइप्स, उनके कंसेप्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि भैया जो कॉस्ट चैप्टर होता है माइक्रो के अंदर, ठीक है, कॉस्ट चैप्टर के अंदर उसमें AFC कर्व का नाम क्या होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से करना। ठीक है, फिर दोस्तों प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, कि भैया किसी भी सामान का दाम एंड आउटपुट को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, परफेक्ट कंपटीशन में, इम्परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली, डुओपोली, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना होगा। ठीक है, फिर दोस्तों इसका इक्विबियम पढ़ना होगा। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये आपका बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, ये ईजी है। ठीक है, फिर आपका नेशनल इनकम, इसमें आपको तीन मेथड्स पढ़ने होंगे। ठीक है, फिर दोस्तों इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, एंड केन्सियन थ्योरी से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो मैक्रो वाला ज्यादा कठिन नहीं है। फिर दोस्तों मनी एंड इन्फ्लेशन, जिसको आप करेंसी बोल सकते हो, ठीक है, मनी के बदले करेंसी बोल सकते हो, एंड महंगाई, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, ये डिमांड सप्लाई अलग है। ठीक है, ये मनी से रिलेटेड है। ठीक, ओके, फिर मनी मल्टीप्लायर, हाई पावर्ड मनी, क्रेडिट क्रिएशन जो कि IBI करता है, फिर IBI कमर्शियल बैंक क्या होता है, एंड IBI के क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, जैसे बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SRR, ये सब क्या होते हैं आपको अच्छे से आना चाहिए, इनका यूज आना चाहिए। फिर दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड इट्स योर गवर्नमेंट की, इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, इसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, फिर दोस्तों आता है कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ये भैया आपको अलग से बांट दिया है। ठीक है, अलग से टॉपिक दे दिया है, तो ये बहुत ही ईजी टॉपिक है। परमानेंट एंड एक्टिव लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, डिटरमिनेंट्स ऑफ बिजनेस, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, तो बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे आपका आता है स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, तो भैया यहाँ पे मीन मीडियन मोड है, इस पर्सन है, स्क्यूनेस है,
ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, को एसन, सिंपल इगेशन, तो ये आपका बेसिक जो आप ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ते हो ना इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैट्स, वही है, सिंपल वजह है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, फिर दोस्तों मैथमेटिक्स एंड मेथड्स इन इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये थोड़ा सा आपके लिए एडवांस हो सकता है। ठीक है, एग्जाम में इससे आपके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 4 से 5 मैक्सिमम 6-7 क्वेश्चन आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों आता है इंडियन इकोनॉमी, इसको आप हल्का लेने की गलती मत करना, बहुत ज़्यादा डीप में है ये। ठीक है, फिर दोस्तों ओवरव्यू ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी, भैया मैक्रो ट्रेंड्स, नेशनल इनकम, पॉपुलेशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर के बारे में पूरा, इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, तो यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, पब्लिक इकोनॉमिक्स, टैक्सेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, नेट GIF के एग्जाम में, MCOM के एग्जाम में। देखो MCOM के एग्जाम का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जो भी इकोनॉमिक्स है, वो पूरा का पूरा आपके इसमें आता है। ठीक है, इसको आप देख सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ पे आपका खत्म होता है सिलेबस, यानी कि बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, बहुत कम सिलेबस है आप लोगों का। ठीक है, तो अगर आपको MA इकोनॉमिक्स करना है तो आपका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा कम है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करके आप लोग आराम से MA इकोनॉमिक्स क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब दोस्तों बहुत सारे बच्चों को मन में डाउट होगा, सर हम लोग तैयारी करें कैसे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कॉमर्स नेशन आपको MCOM के साथ में MA इकोनॉमिक्स की भी तैयारी करवाया है, अपने घर बैठे बैठे आप लोग अपने घर बैठे बैठे MA इकोनॉमिक्स की तैयारी कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, जहां पे हम लोग के कोर्सेज में आपको क्या मिलेगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोस, दोस्तों लाइव वीडियोस आपको एग्जाम के टाइम पे मिलेंगी, एंड आपके एग्जाम से पहले हर टॉपिक के रिकॉर्डेड वीडियोस आपकी ऐप में अवेलेबल हो जाएंगे। फिर दोस्तों ऑल बुक्स एट योर होम, अगर आपको बुक्स चाहिए, देखो इस प्राइस के अंदर जो बुक्स है वो आपके पैकेज में इंक्लूड नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इतनी मोटी मोटी किताबें होती हैं, ठीक है, MCOM में तो हमने 10,000 का कोर्स रखा, इसे इंक्लूड कर दिया, बट इकोनॉमिक्स के अंदर हम आपको इसको PDF प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको बुक्स प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए तो आप हम लोग से बात करके अलग से प्रिंटेड बुक्स अपने घर पे मंगा सकते हो। फिर दोस्तों टॉपिक वाइज MCQ प्रैक्टिस, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग आपको 25,000 से भी ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे NTA एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से। एक मैं आपको सीक्रेट बताता हूं, जो भी नेट का एग्जाम होता है, नेट के एग्जाम से क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के आपके MA इकोनॉमिक्स के एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि मैं आपको बहुत अच्छा ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, फिर दोस्तों टेस्ट सीरीज एज पर एग्जाम पैटर्न, एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से आपको टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, यानी एग्जाम से पहले एक्चुअल एग्जाम का आपको एक्सपीरियंस करवाएंगे। ठीक है, फिर दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, उसके सॉल्यूशंस करवाएंगे, जितने भी साइकिल हुए हैं 3-4 सालों के। ठीक है, फुल सपोर्ट टिल लाइफ, जब तक आप लोगों को हम लोग की जरूरत है, आपका एडमिशन नहीं हो जाता इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में, तब तक आपको पूरा गाइडेंस एंड सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये सब कुछ आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर मिल जाए, ऐसा नहीं कि आपको प्राइस नहीं बताएंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्राइसेस के अंदर ओकेजन पे थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिलता है। ठीक है, बट दोस्तों ये फिक्स्ड प्राइस है, इस पर आपको डिस्काउंट अगर कोई ऑफर चल रहा होगा तो वो मिल जाएगा, जैसे जन्माष्टमी है तो आपको जन्माष्टमी में इसका ऑफर मिलेगा, कोई भी ओकेजन आएगा तो आपको हम लोग कुछ ना कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बट दोस्तों अगर जिसको पढ़ना है वो डिस्काउंट या किसी और चीज का वेट नहीं करता, वो कोर्सेज को परचेज करके अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देता है। तो अगर आपको करना है इकोनॉमिक्स तो हम लोग के नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको बुक्स का डेमो, वीडियोज का डेमो, सब कुछ हम लोग के व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगा। कोर्स परचेज करने से पहले ये कंफर्म करो कि आप क्या परचेज कर रहे हो, आपको हर सब्जेक्ट के वीडियोस के डेमो मिल जाएंगे। ठीक है, जो कि आप बिना पैसा दिए देख सकते हो, डेमो वीडियोस, डेमो PDF नोट्स, सब कुछ आपको मिल जाएगा, जिसको देखो कन्फर्म्ड हो जाओ फिर हम लोग के कोर्सेज को परचेज करो। ठीक है, एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं MCOM के अंदर हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन सिलेक्शन प्रोवाइड किया है, साथ में MA इकोनॉमिक्स का कोर्स भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके, तो ऐसी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग के नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। ठीक है, हम लोग की ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, सीधे कॉल करके, मैसेज करके बात भी कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ऐप को डाउन करना ना भूलिए, जहां पे आपको बहुत सारी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू सो मच।